तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैसेजेस के बारे में। तो हमने बात करी थी यहाँ पे जो मैसेज टाइप थे हमारे पास में, वो एक था टाइप वन मैसेज, जिसको हम लोग हेलो मैसेज बोलते हैं। एक था टाइप टू डीबीडी, टाइप थ्री LSR, टाइप फोर LSU एंड टाइप फाइव LSAC। ये फाइव मैसेजेस थे OSPF में। हम लोगों ने टाइप वन मैसेज डिस्कस कर लिया था, हेलो मैसेज से डिस्कस कर लिया था, है ना। बाकी मैसेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैसेजेस को समझने के लिए ना हम लोग यहाँ पे बात करेंगे OSPF नेबरशिप स्टेट्स। जब दो राउटर्स के बीच में OSPF की नेबरशिप बनती है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था नेबरशिप जो है वो हमें फुल स्टेट में दिखा रहा था। मैंने बताया था ना, फुल वहां पे शो कर रहा था, शो IP OSPF जब नेबर बोला था, 12.1.2.2.2 इज नेबर एंड फुल स्टेट दिखा रहा था ना। हमने बात करी थी, नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो एक्चुअली क्या है, जब दो राउटर्स के बीच में OSPF की नेबरशिप अप आती है, जब फुल स्टेट में जाता है, तो कुछ स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट से होके निकलता है वो दोनों नेबर, देन उसके बाद में वो फुल स्टेट में जाते हैं। तो बात करेंगे नेबरशिप स्टेट्स कौन सी है। तो नेबरशिप स्टेट्स के अंदर ये बाकी मैसेजेस का भी आपको यूज पता चल जाएगा, बाकी मैसेजेस का क्या यूज है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो बात करेंगे OSPF नेबरशिप स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं OSPF की नेबरशिप के? हाँ, एक है डाउन स्टेट, सबसे पहले डाउन स्टेट आती है, देन इनिट। इनिट देखने को मिलेगी, या फिर इनिट की जगह पे आपको अटेम्प्ट देखने को मिलेगी, देन इसके बाद में आ जाती है टू वे स्टेट, देन एक्सटार्ट, देन एक्सचेंज, देन लोडिंग स्टेट, और फिर राउटर आता है अपने फुल स्टेट में। ये इतनी स्टेट्स हैं। राउटर डाउन स्टेट में पड़ा होता है, डाउन से ये स्टेट होके निकलता है, देन राउटर फुल स्टेट में आता है। तो बात करेंगे इन स्टेट्स के बारे में, और जब ये स्टेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे बाकी मैसेजेस का भी आपको यूज पता चल जाएगा, उनका क्या यूज है। ठीक है, तो बात करते हैं वन बाय वन इन स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाउन स्टेट के बारे में। डाउन स्टेट क्या है? ये दो राउटर कनेक्टेड है, इन दोनों राउटर पे हमने OSPF इनेबल कर दिया, और ये दोनों इंटरफेसेस को भी OSPF में एडवर्टाइज करवा दिया। जैसे इस इंटरफेस को आप OSPF में एडवर्टाइज करवाओगे, ये राउटर इसको अपना हेलो मैसेज भेज देगा। और आप लोगों को पता है कि हेलो मैसेज में, मैंने आपको बताया था, राउटर आईडी भी लग के जाती है ना। इस हेलो मैसेज में अपनी राउटर आईडी भी लगा के भेज रहा होता ना, तो ये R1 की राउटर आईडी है, 1.1.1.1, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो जैसे ही इस इंटरफेस को आप OSPF में एडवर्टाइज करवाओगे, OSPF में एडवर्टाइज करवाते ही ये इस लिंक से हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा।
इस राउटर ने हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया, बट इस राउटर को अभी तक सामने वाले राउटर से कोई हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो वो जो स्टेट है वो क्या रहेगी? डाउन स्टेट रहेगी। राउटर हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया राउटर ने, बट इस राउटर को अभी तक कोई कोई अपने नेबर से कोई हेलो रिसीव हुआ नहीं है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्टेट। क्या रीजन हो सकता है हेलो मैसेज ना रिसीव होने के? हो सकता है सामने वाले राउटर पे उस इंटरफेस को आपने ओएसपीएफ में एडवर्टाइज ना करवाया हो, या फिर वो हेलो मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रास्ते में है अभी, लाइक मिली सेकेंड का तो टाइम लगेगा ना वो हेलो मैसेज रिसीव होने में, बात आ रही है समझ में? तब तक वो टाइम तक वो नेगोशिप जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? डाउन स्टेट रहेगी। क्लियर है इतनी चीज? अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट के बारे में, कौन सी? अटेम्प्ट, सॉरी इनिट। देखो इनिट स्टेट में क्या होता है, आर वन ने अपना हेलो मैसेज भेजा, इसमें ये अपनी राउटर आईडी लगा के भेजेगा, और आर वन को सामने वाले राउटर से हेलो मैसेज रिसीव भी हो गया और वो अपनी राउटर आईडी सेट करके भेज रहा है। ये जो स्टेट है कौन सी रहेगी? इनिट। जैसे ही राउटर को कोई सामने वाले राउटर से हेलो मैसेज रिसीव होगा तो वो स्टेट कौन सी रहेगी? इनिट स्टेट रहेगी। क्लियर? आगे बात समझ में? या फिर आपको इनिट देखने को मिलती है या फिर आपको अटेम्प्ट देखने को मिलती है। अटेम्प्ट स्टेट में देखो क्या होगा, नॉर्मल केसेस में आपको इनिट ही देखने को मिलेगी, अटेम्प्ट स्टेट में भी यही होता है। राउटर ने हेलो भेजना स्टार्ट कर दिया, राउटर को हेलो मैसेज रिसीव भी हो गया, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट स्टेट बोलते हैं। सेम ही है, बस छोटा सा डिफरेंस है क्या? अगर यहाँ पे इन दोनों राउटर्स के बीच में जो ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप है वो क्या हो रहा है, वो नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है। नेटवर्क टाइप क्या है? नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है। अब ये नेटवर्क टाइप क्या है, आने वाले टाइम में आपको नेटवर्क टाइप भी पता चल जाएगा, इसका हमारा एक सेपरेट इसके ऊपर सेशन रहेगा नेटवर्क टाइप्स के ऊपर, ठीक है? तो इन दोनों राउटर्स के बीच में अगर नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है और नेबरशिप आपकी स्टैटिक है, दोनों को स्टैटिकली नेबर बोला हुआ है एक दूसरे को, स्टैटिक नेबर है, तो वो स्टेट कौन सी रहेगी? अटेम्प्ट स्टेट रहेगी। राउटर ने हेलो मैसेज भेजा, हेलो मैसेज रिसीव भी हो रहा है, नॉर्मल केसेस में आपको इनिट स्टेट देखने को मिलेगी, उस स्टेट को हम लोग इनिट स्टेट बोलेंगे, लेकिन अगर इन दोनों राउटर के बीच में नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है और इन दोनों राउटर को हमने स्टैटिक नेबर बोल रखा है, स्टैटिकली नेबर बोला हुआ है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट स्टेट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, अब बात करेंगे कौन सी स्टेट के बारे में, टू वे स्टेट के बारे में। OSPF चल रहा है, राउटर आईडी क्या है इनकी? 1.1.1.1। इसकी राउटर आईडी क्या थी? 2.2.2.2। R1 ने अपना हेलो मैसेज भेजा इसको, जब ये हेलो मैसेज भेजता है मैंने बताया था इसमें एक राउटर आईडी लग के जाती है 1.1.1.1, अपनी राउटर आईडी लगा के भेजेगा। R2 को जब ये हेलो मैसेज रिसीव हो गया, होने के बाद में R2 जब नेक्स्ट मैसेज भेजेगा अपना हेलो मैसेज, उस हेलो मैसेज में वो अपनी राउटर आईडी तो लगा के भेज ही रहा होगा। मैंने बताया था हेलो मैसेज में एक नेबर राउटर आईडी भी लग के जाती है, याद है? तो ये क्या करेगा, सामने वाले राउटर की भी राउटर आईडी लगा के भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा।
एक तो जाती है राउटर आईडी उसकी खुद की, एक होती है नेबर राउटर आईडी। इस राउटर को ये हेलो रिसीव हो गया, नेक्स्ट हेलो जब भेजेगा रिसीव होने के बाद में, तो इस हेलो में जो राउटर आईडी रिसीव हुई है नेबर राउटर आईडी में, वो भी लगा के भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और अगर किसी राउटर को कोई हेलो रिसीव हो रहा है और उस हेलो में नेबर राउटर आईडी में उसको खुद की राउटर आईडी देखने को मिल रही है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टू वे स्टेट बोलते हैं। अगर कोई राउटर को हेलो मैसेज में खुद की राउटर आईडी देखने को मिल रही है, नेबर राउटर आईडी में खुद की राउटर आईडी देखने को मिल रही है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कॉल करते हैं, टू वे स्टेट बोलते हैं। और टू वे स्टेट में ना एक और चीज होती है, अगर आपके पास में मल्टी एक्सेस लिंक है, लिंक कौन सा है, मल्टी एक्सेस, उस केस में डीआर एंड बीडीआर की इलेक्शन होती है। अब इस केस में हमारे पास में लिंक कौन सा है, ये सीरियल है। सीरियल लिंक के केस में डीआर बीडीआर की इलेक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे अगर लिंक कौन सा है, कोई मल्टी एक्सेस लिंक है, लाइक एक इथरनेट लिंक है, तो उस केस में वहां पे एक डीआर और बीडीआर की इलेक्शन होगी। वो भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट सेशन रहेगा। अभी मैंने इन दोनों के बीच में जो लिंक यूज किया हुआ है, वो कौन सा लिंक यूज किया हुआ है, सीरियल लिंक। तो इस केस में कोई डीआर बीडीआर की इलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लोग देखेंगे, बात करेंगे डीआर बीडीआर के बारे में भी, डीआर बीडीआर इलेक्शन क्यों होती है, क्या यूज है उसका, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बट हाँ, सीरियल लिंक के केस में यहाँ पे कोई डीआर बीडीआर की इलेक्शन नहीं होने वाली। और जब राउटर को जब कोई हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है और उसमें खुद की उसको राउटर आईडी देखने को मिल रही है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, टू वे। और टू वे स्टेट में ही डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी, इसी स्टेट में ही डीआर एंड बीडीआर की ही इलेक्शन होती है इसी स्टेट में, ठीक है। बट इस केस में नहीं होने वाली, क्योंकि लिंक हमारे पास में कौन सा ही है, सीरियल लिंक है। इतनी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, एक्सटार्ट। तो एक्सटार्ट स्टेट में क्या होगा, टू वे स्टेट के बाद में दोनों राउटर मूव कर जाएंगे किस में, एक्सटार्ट स्टेट में। दोनों राउटर कौन सी स्टेट में मूव कर जाएंगे, एक्सटार्ट स्टेट में। एक्सटार्ट स्टेट में क्या होगा वो देख लो। मैंने आप लोगों को चीज बताई थी एक, कि ये दोनों राउटर क्या करते हैं, अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। लेट्स सपोज इस राउटर का एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस जो ये बनाता है वो किस चीज से बनाता है, किससे बनाता है डेटाबेस, कुछ एलएसए होते हैं, एलएसए से बनाता है। तो R1 ने क्या कर रखा है, R1 ने अपना डेटाबेस बना हुआ है, और इसके पास में टोटल नंबर ऑफ 3 एलएसए पड़े हैं। इसके पास में कितने एलएसए हैं, 3। R1 के कोई नेबर से रिसीव हुए होंगे इसको, है ना। तो 3 एलएसए पड़े हैं, कौन कौन से, ए एलएसए है एक, बी एलएसए है, एंड सी एलएसए, 3 एलएसए है। और ये इस एलएसए का हेडर मान के चल रहा हूं, और ये उस एलएसए की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, ये उस एलएसए का हेडर, ये उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये सी एलएसए का इतना हेडर, और ये उस सी एलएसए की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से R2B क्या करेगा, R2B अपना डेटाबेस बनाएगा। ऐसी R2 का भी कोई नेबर था, उससे भी इसको क्या रिसीव हुए, कुछ एलएसए, तो इसको भी कुछ एलएसए रिसीव हुए, कौन कौन से, X, Y एंड Z। अब जब ये दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बनेंगे ना, तो एक स्टार्ट स्टेट में देखो क्या होगा, इनके पास में पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, इनका डेटाबेस पड़ा हुआ होता है। जैसे ही एक स्टार्ट स्टेट आती है ना, एक स्टार्ट स्टेट में दोनों राउटर अपने आप को, दोनों राउटर एक दूसरे को डीबीडी भेजते हैं। क्या भेजेंगे एक दूसरे को, ये डीबीडी, ये इसको अपना डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेज रहा होगा, ये अपना इसको डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेज रहा होगा, डीबीडी।
ये भी अपना डीबीडी भेज रहा होगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेज रहा होगा, और ये एम्प्टी डीबीडी रहेंगे आपके, ब्लैंक डीबीडी, इस डीबीडी में कुछ भी नहीं जा रहा होगा, ब्लैंक होंगे ये खाली, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जा रही होगी बट ब्लैंक एम्प्टी। इतनी चीज क्लियर है? और ये मैसेज टाइप कौन सा है? मैसेज टाइप कौन सा है? मैसेज टाइप टाइप टू मैसेज है ना ये, तो टाइप टू मैसेज कौन सी स्टेट में जाता है वो पता होना चाहिए, स्टार्ट स्टेट में जाता है। और टाइप टू मैसेज में क्या जा रहे होते हैं? एम्प्टी डीबीडी, डीबीडी जा रहे होंगे वो भी एम्प्टी। इसमें ये तीन मेजर टास्क परफॉर्म करता है इस एम्प्टी डीबीडी में। एक तो ये एलएसए के सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज कर देता है, क्या एक्सचेंज कर लेता है? सीक्वेंस नंबर। एक्सचेंज सीक्वेंस नंबर ये अपने इसके पास में जो एलएसए पड़े हैं इन एलएसए के सीक्वेंस नंबर चले जाएंगे, मतलब एक्चुअली एलएसए नहीं जाएंगे, डीबीडी डेटाबेस नहीं जाएगा, डेटाबेस में जो एलएसए पड़े हैं उनके सीक्वेंस नंबर जाएंगे। डीबीडी तो क्या है? एम्प्टी है ना, ब्लैंक डीबीडी भेजेगा ये भी ब्लैंक डीबीडी भेजेगा, बट उसमें उन एलएसए के सीक्वेंस नंबर क्या कर देगा? एक्सचेंज कर देगा। उसके बाद में इन एम्प्टी डीबीडी में एक और चीज आ रही होती है एमटीयू साइज, एमटीयू साइज एक्सचेंज हो जाता है। इन इंटरफेसेस पे बाय डिफॉल्ट जो एमटीयू साइज होता है वो कितना होता है? 1500 बाइट होता है ना, तो ये इन इंटरफेसेस का एमटीयू साइज एक्सचेंज कर देगा। और यहां पे इस स्टेट में एमटीयू साइज नेगोशिएट होना चाहिए, हेलो, दोनों इंटरफेसेस का एमटीयू साइज क्या होना चाहिए? सेम। अगर एमटीयू साइज सेम नहीं है देन राउटर नेक्स्ट स्टेट में नहीं जाएंगे, स्टार्ट स्टेट में ही आके स्टक हो जाएंगे। लेट्स सपोज इस वाले इंटरफेस पे एमटीयू साइज 1500 बाइट है, इस पे 1400 बाइट है, तो इन दोनों राउटर नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे नहीं, स्टार्ट स्टेट में आके स्टक हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? क्लियर है ये चीज? तो कई बार ट्रबल शूटिंग में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपका जो राउटर है वो आपका एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या हो रखा है? स्टक हो रखा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? एमटीयू साइज मिसमैच का, एमटीयू साइज नेगोशिएट नहीं हुआ है, दोनों इंटरफेसेस के ऊपर एमटीयू साइज सेम नहीं है, तो आपको एमटीयू साइज क्या रखना पड़ेगा? सेम। तो जो एमटीयू साइज है वो भी किस में एक्सचेंज होता है? एमटी डीबीडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो पहला टास्क क्या परफॉर्म हुआ इस स्टेट में? सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हुए और एमटीयू साइज क्या हो गया यहाँ पे? नेगोशिएट हो गया। उसके बाद में एक और टास्क परफॉर्म होता है यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव की इलेक्शन होती है। इन दोनों में से एक राउटर मास्टर बनता है और एक राउटर क्या बनता है? स्लेव। अब बात करते हैं मास्टर एंड स्लेव की इलेक्शन होती कैसे है। मास्टर राउटर कौन बनता है? इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मास्टर राउटर बनने का? जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वही राउटर क्या बनेगा? मास्टर राउटर बनेगा। तो इन दोनों में से मास्टर राउटर कौन बनने वाला है? R2 तो मास्टर राउटर बन जाएगा एंड R1 स्लेव राउटर बन जाएगा। और जो मास्टर राउटर बनता है वो पहले डेटाबेस भेजना इनिशिएट करता है। डेटाबेस भेजना इनिशिएट कौन करेगा? जो राउटर मास्टर बनेगा, और जो स्लेव होगा वो देगा रिस्पॉन्स। बात आ रही है समझ में? इन दोनों में से डेटाबेस भेजना स्टार्ट कौन करेगा? जो राउटर मास्टर राउटर बनेगा वो ही डेटाबेस भेजना पहले स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, और जो स्लेव राउटर होगा वो उसका रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेट में तीन मेजर टास्क परफॉर्म हुए। क्या? डीबीडी एमटी डीबीडी एक्सचेंज हुए थे। उन एमटी डीबीडी में एक तो सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हो गया था, एक एमटीयू साइज नेगोशिएट हो गया था, और एक स्टेट में मास्टर एंड स्लेव की इलेक्शन हो गई थी। क्लियर है इतनी चीज?
और जैसे ही ये स्टेट कंप्लीट होगी, मास्टर एंड स्लेव की इलेक्शन हो चुकी है, अब पता चल चुका है कि हाँ भाई डेटाबेस भेजना इनिशिएट कौन करेगा, R2 करेगा। तो देन अब ये राउटर नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाएगा, कौन सी में, एक्सचेंज स्टेट में। अब एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है वो देख लो। ठीक है, ये मास्टर राउटर बन गया था और ये वाला स्लेव बन गया था, लास्ट स्टेट में डिसाइड हो गया था। और ये इसका डेटाबेस उठा लेता हूं मैं, और ये इसका डेटाबेस उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं इधर। अब देखो एक्सचेंज स्टेट में देखो क्या होगा यार, एक्सचेंज स्टेट में ये दोनों राउटर एक दूसरे को अपना LSA के हेडर भेजना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्या भेजना स्टार्ट कर देंगे, LSA हेडर। R2 क्या करेगा, R2 इसको अपने LSA हेडर भेजेगा, कौन कौन से LSA हेडर भेजेगा, ये कंप्लीट LSA नहीं भेजेगा, इसको सिर्फ ये LSA का हेडर, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला। तो इसके पास में तीन LSA हैं, LSA X, Y एंड Z। इन तीनों LSA के हेडर क्या कर देगा, R1 के साथ में शेयर कर देगा और R2 पहले भेजेगा। ठीक है, तो R इस राउटर के पास में, इसके डेटाबेस में कुछ और नए LSA आ जाएंगे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं आएगी उनकी, सिर्फ उन LSA के हेडर आएंगे, कौन कौन से, X, Y एंड Z, ये LSA के हेडर आ गए इसके पास में। ऐसे ही R1 भी क्या करेगा, R1 के पास में भी कुछ LSA पड़े, कुछ नंबर ऑफ LSA, तो ये भी क्या करेगा, R1 भी इसको अपने LSA हेडर क्या कर देगा, शेयर कर देगा। इसके पास में तीन LSA पड़े हैं, A, B एंड C, इन तीनों LSA के क्या भेज देगा, LSA हेडर। तो इसके पास में भी, इसके डेटाबेस में भी कुछ और LSA आ चुके हैं और वो LSA के सिर्फ हेडर आए हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं आई है अभी, कौन कौन से, A, B एंड C, क्लियर। तो एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है, एक्सचेंज स्टेट के अंदर LSA के हेडर्स क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, देन जैसे ही ये दोनों राउटर्स के पास में जितने भी LSA पड़े हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में अपने LSA के हेडर क्या कर लेते हैं, स्टेट में एक्सचेंज कर लेते हैं। देन राउटर नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाते हैं, कौन सी स्टेट में, लोडिंग स्टेट में। अब लोडिंग स्टेट में क्या होगा वो बात कर लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। लास्ट वाली स्टेट में क्या हो चुका था, ये LSA के हेडर क्या हो गए थे, एक्सचेंज। अब इस लोडिंग स्टेट में क्या होगा, लोडिंग स्टेट में R2 क्या करेगा, R2 इसको एक मैसेज भेजेगा। लास्ट वाली स्टेट में कंप्लीट LSA के हेडर क्या हो गए थे, एक्सचेंज, दोनों ने एक दूसरे को अपने कंप्लीटली LSA हेडर क्या कर लिए थे, शेयर कर लिए थे। अब इस स्टेट में क्या होगा, R1 इसको, R1 देखेगा मेरे पास में कुछ LSA हेडर पड़े हैं, तो इन LSA हेडर के लिए ये क्या भेजेगा, एक LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ये LSA के लिए रिक्वेस्ट करेगा क्या, कि मेरे पास में A, B एंड C के कुछ LSA हेडर पड़े हैं, मुझे क्या चाहिए, उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये इन तीनों LSA के लिए क्या कर रहा होगा,
रिक्वेस्ट कर रहा होगा, एल एस आर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कौन सा मैसेज टाइप है ये, टाइप थ्री है ना। और जैसे ही इसको ये एल एस आर रिक्वेस्ट, ये एल एस आर मैसेज रिसीव होगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव होगा, वो देखेगा अच्छा हाँ किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ए बी सी एल एस एस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये आर वन क्या करेगा, आर वन रिस्पॉन्स में इसको देगा एल एस यू लिंक स्टेट अपडेट, और एल एस यू के अंदर वो जो एल एस ए है कौन से ए बी सी, उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, शेयर कर देगा। तो इसके पास में ए बी एंड सी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अब ये आर वन आर टू आर वन को देगा एक्नोलेजमेंट कि हाँ भाई मुझे आपके, मुझे ए बी सी के एल एस यू रिसीव हो चुके हैं, तो ये देगा एल एस एक लिंक स्टेट एक्नोलेजमेंट किसकी, ए कॉमा बी एंड सी की, कि मुझे ए बी एंड सी के तुमने जो एल एस ए एल एस यू दिया था, एल एस यू में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी वो मेरे पास में क्या हो गई है, डिलीवर हो गई है। अब ऐसे ही आर वन क्या करेगा, आर वन भी इसको एक मैसेज शेयर करेगा, कौन सा, ये भी देखिएगा मेरे पास में भी क्या पड़े हैं, कुछ एल एस एस के हेडर पड़े हैं, तो ये इसको भेजेगा एक एल एस आर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट किसके लिए, एक्स वाई एंड जेड के लिए, कि मुझे इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास में एक्स वाई जेड की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, ये क्या कर देगा, ये अपना एक एल एस यू मैसेज भेजेगा, एल एस यू में एक्स वाई एंड जेड की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, शेयर कर देगा। और इवन ये एल एस यू मैसेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल टाइप फोर मैसेज, और फिर ये इसको बताएगा, और हाँ इसके पास में जैसे मैसेज वो रिसीव होगा, इसके पास में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे ही रिसीव होगी ये इसको दे देगा एल एस एक्स एक्नॉलेजमेंट दे देगा, कौन से मैसेज के फॉर्म में, टाइप फाइव मैसेज के फॉर्म में, कि हाँ मुझे एक्स वाई जेड की इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या होगी, डिलीवर होगी या रिसीव हो गई है। और जैसे ये सक्सेसफुली अपना डेटाबेस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करते ही ये लोडिंग स्टेट में सब कुछ हो जाएगा, ये जो एल एस एस के जो हेडर पड़े थे इनके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या कर ली एक दूसरे ने, शेयर कर ली। जैसे ही ये शेयर कर लेंगे, इनका डेटाबेस सिंक्रोनाइज होते ही दोनों राउटर एक दूसरे के साथ में फुल स्टेट में आ जाएंगे। तो बाकी मैसेजेस का भी यूज पता चल गया, कौन से मैसेज का क्या यूज है। क्लियर। तो अपने अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि ये राउटर दोनों क्या कर रहे हैं, अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। अब ये दोनों राउटर क्या करेंगे, अब ये दोनों राउटर इन अपने दोनों डेटाबेस पे क्या करेंगे, एसपीएफ एल्गोरिदम रन करेंगे। और एसपीएफ एल्गोरिदम रन करने के बाद में जितने भी इनकी डेटाबेस में लिंक्स पड़े होंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, वहां तक जाने की कॉस्ट कैलकुलेट करके दोनों राउटर अपनी राउटिंग टेबल क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। अरे बात आ रही है समझ में, वो तो मैंने बताया ही था। अब ये राउटर क्या करेगा, इस पूरे डेटाबेस पे एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेगा, यहां पे जो भी प्रीफिक्सेस मिलेंगे वहां तक जाने की शॉर्टेस्ट पाथ वो कैलकुलेट करेगा, और अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, उनको इंस्टॉल कर लेगा, शॉर्टेस्ट पाथ अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। क्लियर है इतनी चीज। अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, ये जो डेटाबेस बन रहा है, डेटाबेस किससे बनाया है इसने, कुछ एलएसएस है, एलएसएस से बनाया ना। तो एलएसए क्या होते हैं, एलएसए एक नहीं होता, कुछ टाइप्स ऑफ एलएसएस होते हैं, तो उन एलएसएस के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप के एलएसएस होते हैं जिनको कलेक्ट करके राउटर क्या करता है, अपना डेटाबेस बनाता है।